Hello dear learners, welcome to Biotech Wali. Today we are going to start the lecture series of DSP, that is downstream processing. We will start from first unit. The first topic of first unit is introduction to bioseparation. Firstly, we will know what do you mean by bioseparation. Bioseparation itself defined that bio means biological, separation means to separate something. मीन्स किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को हमको सेपरेट करना है किससे, वो कोई भी नेचुरल सोर्स हो सकती है सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब एक्सेट्रा, या फिर कोई बायोलॉजिकल सैंपल हो सकता है, उससे हमको क्या करना है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को अलग करना है. सो अगर हम एक लाइन में सिंपली इसको डिफाइन करें, व्हाट डू यू मीन बाय बायो सेपरेशन. बायो सेपरेशन is the process of purifying biological products from natural sources such as plants, animals, microbes, or biological sample. फिर biological process मतलब bioseparation basically involves three steps. सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी एक cell को separate करेंगे, ठीक है. सबसे पहले सेल सेपरेशन करेंगे, उसके बाद हम देन हम किसी भी एक प्रोडक्ट को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे और फिर प्योरीफाई करेंगे. तीन स्टेप जनरली इसमें होते हैं तो हम पढ़ेंगे. हम एक एग्जांपल लेके बढ़ते हैं. मीन्स जैसे हम कैरेट से कैरोटीन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है. किसी नेचुरल रिसोर्स से कर रहे हैं, यानी है ना, किसी प्लांट पार्ट से कर रहे हैं या प्लांट पार्ट से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी बायो सेपरेशन का एग्जांपल है. और या फिर हम मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे हमने कोई भी टेक अ पीस ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, एक पीस लिया हमने वेजिटेबल का और उसको ग्राइंड किया किसके साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, ठीक है. फिर इसको स्ट्रेन किया हमने, इसको जब हमने ग्राइंड किया तो हमको एक थिक स्लरी ऑब्टेन हुई, है ना. तो फिर हमको स्ट्रेन करना है, यूजिंग चीज़ क्लॉथ कर लेते हैं. चीज़ क्लॉथ एक फिल्टर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है. हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ किया है, तो जो हमें थिक स्लरी ऑब्टेन हुई है उसमें हमको ऑब्वियस एक क्या होगा, एसिड की फॉर्म में कुछ मिलने वाला है. हमने एसिड ऐड किया है तो एसिड तो प्रेजेंट रहने वाला है. जब हम स्ट्रेन करेंगे यानी फिल्टर करेंगे, चीज़ क्लॉथ से छानेंगे उसको, एक वेजिटेबल में फॉर हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे पोटैटो, ठीक है, उसको जब हम स्ट्रेन करेंगे तो हमको ऑब्वियस है एक तो फिल्ट्रेट मिलने वाला है और एक रिटेंटेट मिलने वाला है. फिल्ट्रेट वो जो चीज़ क्लॉथ से पास हो गया और रिटेंटेट वो जो चीज़ क्लॉथ में रह गया, ठीक है. फिल्ट्रेट से हमको ऑफकोर्स कुछ लिक्विड मिलने वाला है और ये कुछ सॉलिड रह जाने वाला है ना. जो तो जो हमको इधर मिलने वाला है लिक्विड, वो क्या होगा, एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है. एसिड सोल्यूबल पूल में बहुत सारे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. तो हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे अलग करेंगे, हम बहुत सारी एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जैसे क्रोमेटोग्राफी होता है एंड ऑल होता है. उन सब टेक्निक्स को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो भी हमको एक कंपाउंड मिला है एसिड सोल्यूबल में से बहुत सारे कंपाउंड होंगे, तो उसमें से हमको पर्टिकुलरली एक कंपाउंड को अलग करना है ना. तो हम बहुत सारी एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है या फिर क्रोमेटोग्राफी होता है. एनालिटिकल टेक्निक्स हमको जैसे कि आइडिया दे देती है, आइडिया दे देती है एक मोलिकुलर वेट का,
या फिर हमें स्ट्रक्चर बता देती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बायोमोलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब जो एसिड सोल्यूबल पूल हमको मिला, उसमें जो भी होंगे, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वही क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स ही क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने बायोमोलिक्यूल को कैसे सेपरेट किया है किसी भी नेचुरल रिसोर्स से। नेचुरल सोर्स से हमने वेजिटेबल एक नेचुरल सोर्स लिया था, तो हमने उससे अपने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को अलग किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। और हाँ, दूसरी बात ये कि जो हमारा वेजिटेबल है, ऑफकोर्स उसमें ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था बायो मोलिक्यूल, उसमें इनऑर्गेनिक भी हो गए। इनऑर्गेनिक का भी एक ऐसा ही कुछ वे है कि हम उसको लेते हैं, वे करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद जो ऐश बचती है उससे हम देखते हैं, जो भी ऐश बचती है उससे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता लगा लेते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।